सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफी मजेदार चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई अब क्लास टेंथ में आ चुके हो और क्लास टेंथ में क्या होता है, बोर्ड्स का खौफ। तो भाई आपको स्टार्ट कैसे करना है अपना पढ़ना, वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और आप कौन कौन से ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्टडी टूल्स यूज कर सकते हो अपनी टेंथ की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। मेक श्योर जरूर करना, छोटू सा सेशन है, स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक आप जरूर वॉच आउट कर रहे हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट AI टूल्स हैं जो आप सीरियसली में अगर अच्छे से यूज करोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम्स में। चलो तो लेट्स बिगिन आवर वेरी फर्स्ट AI टूल्स। अब सबको पता होगा ग्रामरली। अब देखो भाई, ग्रामर आप सबको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीक होती है, बहुत स्टूडेंट्स की अच्छी होती है, राइटिंग स्किल्स बहुत की अच्छी होती है, बहुत की खराब होती है, लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आपसे हो ही जाती है। तो आपका ग्रामरली ना एक ऐसा AI टूल है जिसको आप स्टडी के लिए यूज कर सकते हो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर इंग्लिश, है ना। तो इससे आपकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी एनहांस हो सकती है। जब भी आप कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो या एसे राइटिंग कर रहे हो या नोटिस राइटिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपके इंग्लिश में अक्सर पूछे जाते हैं, तो जब आप उसको खुद लिख रहे हो और उसको फिर अपलोड करो ग्रामरली पे, तो ग्रामरली एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा AI टूल है जो आपको आपकी मिस्टेक्स को बता देगा कि आपने कहाँ कहाँ पे कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं या नहीं की हैं। आपको लाइंस ऐसी सजेस्ट कर देगा जो आप अपनी इफेक्टिव राइटिंग के लिए, अपनी राइटिंग कम्युनिकेशंस को और अच्छा करने के लिए, क्लैरिटी इफेक्टिवनेस लाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपके इंग्लिश एग्जाम को ये बूस्ट अप तो जरूर कर लेगा। तो आप इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को अच्छा करने के लिए, एनहांस करने के लिए आप इस ग्रामरली ऐप का जरूर यूज कर सकते हो। ये आपकी राइटिंग स्किल्स को सच में बूस्ट अप कर देगा, तो ट्राई जरूर करना एक बार। नेक्स्ट टूल की बात करूं तो दैट इज द tutor.ai। एक ऐसा स्टडी टूल है दैट प्रोवाइड पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, कवर्स वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड अडेप्ट्स टू द स्टूडेंट लर्निंग पेस फॉर इट्स अडेप्टिव लर्निंग एल्गोरिथम इफेक्टिव एजुकेशन सपोर्ट। यहाँ पे आपको इफेक्टिव एजुकेशन सपोर्ट भी मिलेगी, आपके हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स इस ऐप पे क्लियर अप हो सकते हैं। tutor.ai अच्छा खासा एजुकेशनल सपोर्ट इस पे मिलता है, इवन मैं भी यूज करती हूँ उसको, तो आप भी एक बार यूज करेगा ट्राई कर सकते हो, जरूर करना। पता चलेगा कि मतलब देखो अभी माइंड भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया हो, लेकिन फिर भी टूल्स को ट्राई करने का कोशिश करना कि कोई आप टॉपिक डाल रहे हो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कैसे मिल रही है, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। भाई अभी तो बिगनिंग ऑफ द ईयर है, थोड़ा एक्सप्लोर करो। ग्रामरली का मैंने आपको बता ही दिया, एक और मैंने आपको बताया tutor.ai जिसमें आपको वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिल सकती है एक इस एक AI टूल को यूज करके, तो ट्राई एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो इट इज अ कॉपीस्केप। जैसे कि आपको बहुत सारे एकेडमिक असाइनमेंट्स मिलते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ से कंटेंट निकालो, क्या ऐसी अच्छी चीजें निकालो जिसमें प्लैग ना आए, प्लैग मतलब कॉपी पेस्ट ना लगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं विकीपीडिया का यूज करते हैं, तो सब एक जैसी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, तो ऑब्वियस बात है आपका एकेडमिक स्कोर जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये यहाँ कॉपीस्केप से ना आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी हर एक टॉपिक पे। इवन आपने अगर कोई आर्टिकल भी लिखा होगा, जैसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो होता है कि वो व्लॉग लिख करके डालते हैं, व्लॉग बनाते हैं या फिर कुछ राइटिंग करके उनको पोस्ट भी करवाते हैं, खुद पोस्ट करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना यूज़ होने लगा है। इवन अगर आपको अपने स्कूल में भी कोई इफेक्टिव राइटिंग कॉम्पिटिशन करना है और आपको मतलब राइटिंग कॉम्पिटिशन में चाहिए कि आपके एक टॉपिक में या आपके जितना भी कंटेंट आप यूज़ करो उसमें प्लैग ना है, तो आप इस एक टूल का यूज़ कर सकते हो। या आपके यूनिकनेस को चेक करती है कि आपने जो भी आर्टिकल लिखा है उसमें कोई प्लैगरिज्म तो नहीं है, प्लैगरिज्म का मतलब आपने कोई कॉपी पेस्ट तो कंटेंट नहीं किया या किसी ने वो पर्टिकुलर लाइन यूज़ की है कि नहीं, तो वो उसको रिफर्बिश करके ना आपको दूसरी लाइन्स ऐसी प्रोवाइड कर देते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने आर्टिकल राइटिंग में, एसे राइटिंग में, नोटिस राइटिंग में, या आपको किसी भी कॉम्पिटिशन में जाने में सच में हेल्प कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करूँ तो सोक्रेटिक, ये मैंने आपके सीनियर्स को भी सजेस्ट किया था। ये ऐसा टीचिंग टूल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन विद वीडियो के साथ प्रोवाइड कर सकता है, वो चाहे आपके मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो, चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ही क्यों ना हो, चाहे बायो के कोई क्वेश्चंस ना हो या फिर केमिस्ट्री के कोई केमिकल इक्वेशंस ना हो, हर एक इक्वेशन के हर एक टॉपिक का आपको ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दे सकता है एंड वीडियो
सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर सकता है कि कभी आपके पास टीचर कोई अवेलेबल नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, तो आप इस तरीके का टूल यूज़ करके, सोक्रेटिक का टूल यूज़ करके आप एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हो. और ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें स्टेप्स नहीं अवेलेबल रहते, एक एक स्टेप को थॉरली एक्सप्लेन करता है, जिससे आपको डायरेक्ट आंसर लिखने से बेटर है कि आपको हर एक लाइन समझ में आएगी तो आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाओ, चाहे मैथ्स के हो, फिजिक्स के हो, बायो के हो, केमिस्ट्री के हो, या वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू वॉन्ट टू चेक. सबका एक्सप्लेनेशन आपको बेस्ट एजुकेटर्स से इसमें मिल सकता है और काफी अच्छा टीचिंग टूल है जो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट आपको बोलूंगी क्विज मास्टर. देखो भाई, आपके एग्जाम में वन मार्कर के क्वेश्चंस का बहुत वेटेज रहता है. अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस वन मार्कर आते हैं. तो आप चाहते हो खुद से क्विज प्रिपेयर करना, तो आप इस AI टूल का यूज़ करके खुद से खुद क्विज प्रिपेयर कर सकते हो. तब क्या होगा, आप कंटेंट खुद से रीड करोगे, खुद से क्विज प्रिपेयर करोगे, क्विज प्रिपेयर करने के बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई करो. सपोज करो आपने कोई कंटेंट डाल दिया उसमें, अब उससे आपने बोला, उस AI टूल को बोला कि इससे मुझे क्विज निकाल कर दे दे, कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो उसमें ऐड करके आपको क्विज बना करके देगा. तो ऐसे ही आप वन मार्कर के क्वेश्चंस एक AI टूल से यूज करके अपने चेकअप कर सकते हो. और अगर आपको ऐसे ही सारे अकेडमिक सेशंस और से ज़्यादा इससे भी अच्छे अच्छे अकेडमिक सेशंस जो आपके टॉपिक रिलेटेड है अटेंड करने हैं, अपने मास्टर करना है अपने क्लास 10th को, तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलो. इसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है. और जाते जाते ज़रा फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो. क्यों? क्योंकि भाई आपका एकेडमिक सेशन, जो आपके एकेडमिक टॉपिक्स हैं, वो जल्दी ही April 1st से स्टार्ट होने वाले हैं. तो अगर आप चाहते हो कि आपके कोई भी सेशन मिस आउट ना हो जाए, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना. अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में. तो बाय एंड टेक केयर.